समाजवादी पार्टी जो संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं जनता के लिए, उनको टिकट देने का काम किया है। परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में है। लखनऊ शहर के सांसद जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा विधायक है, भाजपा के प्रदेश का उपाध्यक्ष है और दूसरा बेटा भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। परिवारवाद तो यहाँ है। और भारतीय जनता पार्टी में मोहन लालगंज के सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, उनकी पत्नी मलियाबाद से विधायक है और उनका साला विधायक मोहन लालगंज से है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? पीडीए जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, महिलाएं, उनको अधिकार, उनके हक, न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करते हैं। इस बार पीडीए एनडीए को हराएगा। जिस एनडीए का फुल फॉर्म नक्सली दंगाई अलायंस है, समाजवादी पार्टी सबको बराबर अधिकार मिले, सबको न्याय, सम्मान और उसका हक मिले, इसके लिए संघर्ष करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कह रही है कभी प्रत्याशी बदलने और परिवार को ही खाली जगह मिल रही। भारतीय जनता पार्टी स्वयं परिवारवादी है, आरएसएस का उनका परिवार है। समाजवादी पार्टी उन्हीं को टिकट दे रही है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। तेज प्रताप जी पॉलिटिकल लीडर हैं, एमपी रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ टिकट बांटे जा रहे हैं वो मेरिट के हिसाब से बांटे जा रहे हैं, जो जनता में काम कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में उनकी आस्था है। समाजवादी पार्टी कभी भी परिवारवादी सोच की नहीं रही है और जिन लोगों को भी टिकट दिया है वो राजनीतिक नेता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, जनता के बीच में काम करते हैं। कितनी बड़ी फाइट दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 के दावे कर रही है। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कन्नौज हम जीत रहे हैं, वहाँ कमल नहीं। अब वो कन्नौज में तो वो बिल्कुल नहीं जीतने वाले हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना एक भी उम्मीदवार जिताना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के ऊपर अनाप शनाप उलझुल आरोप लगाते हैं और हमला करते हैं। ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है भाजपा की।